दूसरे T20 में भूवी चहल की जंग, बादशाहत के लिए लड़ेंगे गेंदबाज, कौन मारेगा इस जंग में बाजी। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नागपुर के वैदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले में टीम इंडिया को हर हाल में जीत हासिल करनी है, क्योंकि एक हार के साथ भारतीय टीम सीरीज भी गंवा देगी। आपको बता दें, पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला टीम इंडिया ने 4 विकेट से गंवाया था, लेकिन इस T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 1 विकेट लेते ही वो किया, जिसके बाद उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपने नाम बतौर भारतीय गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट कर लिए। लेकिन इस सूची में उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की बराबरी भी कर ली। भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने 78 मैचों में 84 विकेट लिए हैं, तो अब युजवेंद्र चहल भी T20 में 84 विकेट ले चुके हैं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार से कम मुकाबले युजवेंद्र चहल ने खेले हैं। भुवनेश्वर कुमार ने जहां 78, तो वहीं युजवेंद्र चहल ने मात्र 67 मैचों में कीर्तिमान अपने नाम किया है। लेकिन आज होने वाले T20 मुकाबले में दोनों गेंदबाज आमने सामने होंगे। 1 विकेट लेते ही दोनों में से कोई एक गेंदबाज आगे बढ़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को विकेट ही ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कि शायद किसी एक को आज मौका भी ना मिले। लेकिन एक बात तय है कि भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल दोनों के बीच आज भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में टक्कर देखने को मिल सकती है। भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल एशिया कप से दोनों ही खराब फॉर्म में हैं। आज दोनों ही चाहेंगे कि एक बार फिर से अपने फॉर्म को हासिल किया जाए, साथ ही साथ बड़ा कीर्तिमान अपने नाम दर्ज किया जाए। भुवनेश्वर कुमार या युजवेंद्र चहल, आज के मुकाबले में कौन होगा भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज, देखना ना भूलिए दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला। साथ ही साथ देखते रहिए वन इंडिया को।